नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी नौकरी चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम देख लेंगे टाइगर रिजर्व्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, साथ के साथ टाइगर सेंसस 2018 की भी एमसीक्यू देखेंगे, साथ के साथ नेशनल अथॉरिटी जो टाइगर अथॉरिटी है उसके चेयरमैन कौन है, तो बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो इस वीडियो में हम देखेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ के साथ इजी नौकरी चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर। चलिए पहला क्वेश्चन है बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। ये आमतौर पर एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो स्थित है वो कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर? कर्नाटक में स्थित है और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, ये भी याद रखना। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वैजुभाई वाला, कौन है? वैजुभाई वाला, ये भी याद रखना। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं येदुरप्पा, BS येदुरप्पा यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कार्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कार्बेट टाइगर रिजर्व। अगर आप गए हों कार्बेट टाइगर रिजर्व तो आपको पता हो, तो इसका जो सही आंसर है वो है उत्तराखंड। कार्बेट टाइगर रिजर्व जो स्थित है वो उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड की जो करंटली राजधानी है वो देहरादून है, याद रखिएगा, क्या है? देहरादून। और करंटली यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं फ्रेंड त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन है? TS रावत या त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और यहाँ के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, कान्हा टाइगर रिजर्व। फ्रेंड्स, ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बेसिकली जो स्थित है वो मध्य प्रदेश में ही स्थित है और मध्य प्रदेश को ही टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है, कान्हा टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश के जो करंटली गवर्नर हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, याद रखिएगा। और भोपाल इसकी राजधानी है मध्य प्रदेश। चलिए चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं, मानस टाइगर रिजर्व जो कि आमतौर पे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, कहाँ स्थित है? तो मानस टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ये स्थित है बेसिकली असम। कहाँ पर? असम में स्थित है। असम की राजधानी कौन सी है फ्रेंड? दिसपुर, ठीक है, याद रखिएगा। और करंटली यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? वो हैं सर्वानंद सोनोवाल, ठीक है, सर्वानंद सोनोवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, याद रखिएगा। और यहाँ के जो करंटली गवर्नर हैं वो हैं जगदीश मुखी, ये भी याद रखना, ठीक है। तो आपको बहुत 2-3 चीज़ कवर हो गई। असम में स्थित है, जगदीश मुखी गवर्नर हैं और सर्वानंद सोनोवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, याद रखिएगा। पाँचवा क्वेश्चन की मैं बात करूँ, पलामू, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पलामू पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो पलामू टाइगर रिजर्व, आप फोटो भी देख सकते हैं, पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये स्थित है अपन झारखंड में। झारखंड की राजधानी कौन सी है? तो झारखंड की जो राजधानी है वो है रांची, और करंटली रांची में लिख देता हूँ। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, हेमंत सोरेन। कौन है? हेमंत सोरेन यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। तो 2-3 एक ही क्वेश्चन से 2-3 चीज़ कवर हो गई आपकी, द्रौपदी मुर्मू, याद रखिएगा। छठे क्वेश्चन की बात करें, रणथंबोर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो रणथंबोर से रा से चालू हो रहा है तो राज्य का नाम भी रा से ही चालू होगा, तो वो स्थित है राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। राजस्थान की राजधानी कौन सी है? वो है जयपुर, याद रखिएगा। क्या है? जयपुर। और करंटली यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं अशोक गहलोत। कौन है? अशोक गहलोत, याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ के गवर्नर की मैं बात करूँ वो हैं कलराज मिश्र, याद रखिएगा, कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर हैं। सातवें क्वेश्चन की मैं बात करूँ, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ये काफ़ी आमतौर पर एग्जाम में पूछा जाता है सिमलीपाल, और फ्रेंड वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिमलीपाल, और ये स्थित है उड़ीसा में। आप फोटो देख सकते हैं, यहाँ ये सिमलीपाल टाइगर और बायोस्फीयर रिजर्व दोनों ही हैं, और ये बेसिकली स्थित है उड़ीसा में। उड़ीसा की राजधानी का क्या नाम है? वो है भुवनेश्वर, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ के करंटली गवर्नर कौन है? वो है गणेशी लाल, ये इंपॉर्टेंट हुआ था, ठीक है। कौन है? गणेश जी से आप याद कर सकते हैं, गणेशी लाल, ठीक है, भगवान गणेश से आप याद कर सकते हैं। यहाँ के गवर्नर और मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और गवर्नर है गणेशी लाल। आठवें क्वेश्चन की मैं बात करूँ, सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो आप देख सकते हैं सुंदरवन टाइगर रिजर्व है, और ये कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? ये बेसिकली जो स्थित है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये, ठीक है, यहाँ देख लीजिए सुंदरवन बंगाली भाषा में लिखा हुआ है, तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है सुंदरवन। और यहाँ की मुख्यमंत्री कौन है?
ममता बनर्जी, याद रखिएगा ममता बनर्जी, ममता से आप याद कर सकते हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़ यहाँ के गवर्नर है, ठीक है याद रखिएगा। नवा क्वेश्चन देख लेते हैं, पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पेरियार आपने नाम भी सुना होगा, पेरियार जो स्थित है वो केरल में स्थित है। आप देख सकते हैं पेरियार टाइगर रिजर्व का फोटो है, और करंटली जो केरल की राजधानी है, क्योंकि पेरियार टाइगर रिजर्व केरल में स्थित है, तो केरल से कुछ जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो केरल की जो राजधानी है वो कौन सी है? तो वो है त्रिवेंद्रम, याद रखिएगा। क्या है? त्रिवेंद्रम, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। और यहाँ के जो करंटली गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खां, याद रखिएगा, आरिफ मोहम्मद खां यहाँ के गवर्नर हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और चीफ मिनिस्टर भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो है पिन्नारी विजयन, ठीक है। पिन्ना, कान का पिन्ना होता है ना, उससे आप याद कर सकते हैं पिन्नारी विजयन, ठीक है याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो सरिस्का अभी मैंने ऊपर भी बताया था, एक राजस्थान से रिलेटेड, अब सरिस्का आ गया, तो सरिस्का स्थित है फ्रेंड राजस्थान में, ठीक है याद रखिएगा। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। और यहाँ के जो गवर्नर हैं कौन है? कलराज मिश्र, याद रखिएगा। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत, ठीक है याद रखिएगा। राजस्थान में स्थित है सरिस्का टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 11वां, तो 11वां बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी स्थित है फ्रेंड बुक्सा पश्चिम बंगाल में, ठीक है। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में, आप फोटो देख सकते हैं, बुक्सा टाइगर रिजर्व है पश्चिम बंगाल में स्थित है। और ये फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या? कोलकाता। और अभी मैंने यहाँ की गवर्नर और राज्यपाल बताए थे, तो गवर्नर राज्यपाल कौन है? गवर्नर है जगदीप धनखड़, और जो मुख्यमंत्री हैं वो है ममता बनर्जी, याद रखिएगा। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं, इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, तो ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है छत्तीसगढ़ में, कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में इंद्रावती टाइगर रिजर्व। और छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? वो है रायपुर, या इसे कहते हैं नया रायपुर, ठीक है याद रखिएगा, नया रायपुर यहाँ की राजधानी है। अब बात कर लेते हैं चीफ मिनिस्टर की, तो करंटली चीफ मिनिस्टर कौन है? तो वो है भूपेश बघेल, भूपेश बघेल, ठीक है, INC कांग्रेस पार्टी के हैं भूपेश बघेल, वहाँ की सरकार है यहाँ भूपेश बघेल। और यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है? वो है अनसुईया उइके, ठीक है, अनसुईया से आप याद कर सकते हैं, अनसुईया उइके यहाँ की गवर्नर है, याद रखिएगा, ठीक है। तो कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। 13वें क्वेश्चन की मैं बात करूँ, नामदफा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, नामदफा टाइगर रिजर्व एग्जाम में कई बार पूछा जाता है नामदफा टाइगर रिजर्व का, तो फ्रेंड ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड जानकारी ले लेते हैं, तो यहाँ के जो राजधानी है वो है ईटानगर, क्या? ईंट से आप याद कर सकते हैं ईटानगर, ठीक है। और यहाँ के जो करंटली गवर्नर हैं वो है BD मिश्रा, कौन है? BD मिश्रा, ठीक है याद रखिएगा। और यहाँ के करंटली चीफ मिनिस्टर कौन है? ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो वो है पेमा खांडू, कौन है? पेमा खांडू, याद रखिएगा, ठीक है। और ईटानगर राजधानी है, और नामदफा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की बात करूँ, 14वां, तो दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो दुधवा जो स्थित है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में पड़ता है फ्रेंड्स ये दुधवा टाइगर रिजर्व, UP में स्थित है, UP के अभी वर्तमान चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ, और यहाँ के योगी से आप याद कर सकते हैं आदित्यनाथ, ठीक है योगी आदित्य। और यहाँ की बात करूँ गवर्नर की, तो वो है आनंदीबेन पटेल, कौन है? आनंदीबेन पटेल, जो कि फ्रेंड उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं और मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल हैं, और लखनऊ यहाँ की राजधानी है, याद रखिएगा। 15वें क्वेश्चन की बात करें, पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो पेंच काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इस राज्य को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, तो पेंच जो स्थित है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के मैं अभी गवर्नर और आपको चीफ मिनिस्टर बता चुका हूँ, भोपाल है, दोबारा बता दे रहा हूँ, याद हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि यूपी के साथ साथ MP की भी गवर्नर हैं, आनंदीबेन पटेल। और जो यहाँ के करंटली चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान, कौन है? शिवराज सिंह चौहान यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, याद रखिएगा। 16वां क्वेश्चन बात करें, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो बांधवगढ़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में स्थित है, और मैं इसकी जानकारी बता चुका हूँ, भोपाल राजधानी है, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं, तो बांधवगढ़ भी टाइगर रिजर्व भी, वो भी मध्य प्रदेश में स्थित है। 17वें क्वेश्चन की मैं बात करूँ, पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो पन्ना भी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, क्योंकि फ्रेंड टाइगर स्टेट कहा जाता है, तो सबसे ज़्यादा टाइगर भी मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं,
और टाइगर रिजर्व भी एमपी में ही है, याद रखिएगा। तो ये भी कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है पन्ना टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा। 18वें क्वेश्चन की मैं बात करूँ, डंफा टाइगर रिजर्व, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होता है डंफा, और फ्रेंड क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से आता है डंफा टाइगर रिजर्व, एग्जाम में पूछ लिया जाता है इसके बारे में। तो डंफा जो स्थित है वो मिजोरम में स्थित है, कहाँ पे स्थित है, मिजोरम में, और मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल, ठीक है, आइजोल राजधानी है यहाँ की। यहाँ के गवर्नर की मैं बात करूँ तो श्रीधरन पिल्लई हैं, ठीक है, यहाँ के गवर्नर मैं लिख देता हूँ, श्रीधरन पिल्लई यहाँ के गवर्नर हैं, याद रखिएगा। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं जोरम थंगा, ठीक है, जोर से आप याद कर लेंगे, जोरम थंगा यहाँ के करंटली चीफ मिनिस्टर हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कहाँ स्थित है डंफा, ये मिजोरम में स्थित है, मिजोरम की राजधानी आइजोल है, ठीक है। 19वें क्वेश्चन की बात करते हैं, 19वां क्वेश्चन है भद्रा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भद्रा टाइगर रिजर्व जो स्थित है वो स्थित है कर्नाटक में, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भद्रा, और मैं बता भी चुका हूँ शायद एक बार, तो ये स्थित है कर्नाटक में, याद रखिएगा। बी एस येदियुरप्पा यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और बेंगलुरु यहाँ की राजधानी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, नमेरी टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नमेरी जो कि स्थित है असम में, आप देख सकते हैं नमेरी नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व है और ये असम में स्थित है। सवनान सोनेवाल से आप याद कर सकते हैं सोना, ठीक है, ट्रिक है सोना या सोनेवाल, ठीक है। सर्वनान सोनेवाल चीफ मिनिस्टर हैं और जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर हैं, और असम की राजधानी दिसपुर है और नमेरी यहीं स्थित है, ठीक है। 21वें क्वेश्चन की मैं बात करूँ, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पड़ जाता है इसे, फ्रेंड इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं और एक अन्नामलाई टाइगर रिजर्व भी इसे कहते हैं। तो अन्नामलाई जो स्थित है वो स्थित है तमिलनाडु में, ठीक है, डी ऑप्शन। तो तमिलनाडु की बात करूँ तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है, वो है चेन्नई, ठीक है, चेन्नई, याद रखिएगा। और फ्रेंड्स एक क्वेश्चन मैं हमेशा आपसे पूछता हूँ, तो मुझे ये बताइए तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री और गवर्नर कौन है, ठीक है, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, इससे आपकी भी करंट अफेयर और जीके दोनों तैयार होगी। तो मुझे कमेंट नहीं पता अगर आपको, तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे, और मुझे कमेंट करेंगे तो आपको वो चीज़ और जल्दी से याद हो जाएगी। तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं, सतकोशिया टाइगर रिजर्व, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सतकोशिया टाइगर रिजर्व ये कहाँ पड़ता है, तो फ्रेंड्स ये जो पड़ता है सतकोशिया, ये उड़ीसा में पड़ता है, कहाँ पर, उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर, ठीक है, भुवनेश्वर। और यहाँ के जो करंटली चीफ मिनिस्टर कौन है उड़ीसा के, तो वो है नवीन पटनायक, याद रखिएगा नवीन पटनायक, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 23वां, काजीरंगा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है काजीरंगा, तो ये भी असम में स्थित है, कहाँ पर, असम में स्थित है काजीरंगा टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा। और बेसिकली काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो किस लिए फेमस है, फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताएं काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए फेमस है, तो वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो बेसिकली असम में स्थित है, असम के बारे में मैं बता ही चुका हूँ, जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर हैं, सर्वनान सोनेवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और राजधानी है दिसपुर। चलिए 24वें क्वेश्चन की बात करूँ, 24वां क्वेश्चन है मुद्दुमलाई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो फ्रेंड ये स्थित है तमिलनाडु में, कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में, याद रखिएगा। और तमिलनाडु से जो राजधानी है चेन्नई है, और इसके बारे में मैंने आपसे पूछा ही है चीफ मिनिस्टर गवर्नर कौन है, ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा। 25वें क्वेश्चन की मैं बात करूँ, नागरहोल टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, नागरहोल टाइगर रिजर्व, तो ये स्थित है फ्रेंड्स कर्नाटक में, कहाँ पर, कर्नाटक में, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं बी एस येदियुरप्पा, याद रखिएगा, ठीक है, नागरहोल कर्नाटक में स्थित है, आप देख सकते हैं फोटो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 26वां, पेरम्बिकुलम टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो फ्रेंड्स इसकी ये जो स्थित है केरल में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा, पेरम्बिकुलम केरल की जो राजधानी है त्रिवेंद्रम है, मैं बता चुका हूँ, और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं, आरिफ खां, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं पिन्नारी विजयन, कान के पिन्ना से आप याद कर सकते हैं पिन्नारी विजयन, ठीक है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर ने, याद रखे, केरल में स्थित है ये। 27वें क्वेश्चन की मैं बात करूँ, सह्याद्री टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो इसे कोयना नेशनल पार्क भी कह सकते हैं फ्रेंड, टाइगर रिजर्व कोयना, ठीक है, कोयना महाराष्ट्र में ही पड़ता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, तो सह्याद्री टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, कहाँ पर,
महाराष्ट्र में याद रखेगा। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और यहाँ के करंटली राज्यपाल कौन है फ्रेंड? भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह के नाम से आप याद कर सकते हैं, भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के करंटली राज्यपाल हैं और उद्धव ठाकरे यहाँ के करंटली चीफ मिनिस्टर हैं। उद्धव ठाकरे, ठीक है, याद रखेगा। 28वें क्वेश्चन की मैं बात करूँ, 28वां क्वेश्चन है नागार्जुन श्री सलेम टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। ये फ्रेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो नागार्जुन श्री सलेम टाइगर रिजर्व है ये भारतवर्ष में सबसे बड़ा है, एरिया वाइज सबसे बड़ा है नागार्जुन श्री सलेम टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है फ्रेंड आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में, याद रखेगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है फ्रेंड्स? अमरावती, ठीक है, अमरावती याद रखेगा, ठीक है। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर की मैं बात करूँ तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं जगमोहन रेड्डी, या इसे कहते हैं YS जगमोहन रेड्डी, ठीक है। आप जगमोहन ही याद रखिएगा, जगमोहन, अब YS आ जाए तो और बढ़िया, जगमोहन रेड्डी, ठीक है। वैसे YS जगमोहन रेड्डी कहते हैं ना यहाँ के चीफ मिनिस्टर को। गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन, हरिश्चंद से आप याद कर सकते हैं, तो विश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है, हरिचंदन, ठीक है, हरिश्चंद से आप याद कर सकते हैं तो याद हो जाएगा आपको। चलिए 29वें क्वेश्चन पे देख लेते हैं, राजाजी टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? राजाजी तो फ्रेंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राजाजी पहले उत्तर प्रदेश में पड़ता था लेकिन बाद में ये चला गया उत्तराखंड में, तो राजाजी जो स्थित है वो उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर? सी ऑप्शन, उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड की जो राजधानी कहाँ पर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड की जो राजधानी है वो देहरादून स्थित है। कहाँ पर? देहरादून में, ठीक है। और बेबी रानी मौर्य यहाँ के गवर्नर है, त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, याद रखेगा, ठीक है। उत्तराखंड में स्थित है राजा जी, आप फोटो देख सकते हैं। 30वें क्वेश्चन की बात करूं, औरंग टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, औरंग कहाँ स्थित है? ये स्थित है फ्रेंड असम में, याद रखिएगा। असम के बारे में बता ही चुका हूँ, दिसपुर राजधानी है, सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर है, ठीक है। तो तीन चीज़ क्लियर हो गई आपकी, असम में स्थित है औरंग, याद रखिएगा। 31वें क्वेश्चन की मैं बात करूं तो फ्रेंड वर्तमान में अभी 2018 में एक सेंसस हुआ था, ठीक है, आप देख सकते हैं 6 में हुआ, 10 में हुआ, 14 में हुआ, 18 में, ठीक है। बेसिकली जो टाइगर सेंसस है वो हर 2 साल बाद होती है, ठीक है, सॉरी हर 4 साल बाद, आप देख सकते हैं 2006, 2010, 2014, 2018, यानी कि एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि जो टाइगर सेंसस है वो कितने साल बाद होती है, तो वो 4 साल बाद होती है, ठीक है, याद रखिएगा। पहले 6 में हुई, फिर 10 में, फिर 14 में, फिर 18 में, ठीक है। और अभी जो वर्तमान में कुल कितने टाइगर हैं 2018 सेंसस में देखेंगे तो 2967, ये ए ऑप्शन है ना, 2967 भारत में कुल वर्तमान में टाइगर हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा किस राज्य में, यह मैं आगे MCQ में बताऊँगा। 32वां क्वेश्चन देख लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व किस राज्य में? और फ्रेंड से अकॉर्डिंग टू सेंसस बात कर रहा हूँ, 2018 में सेंसस में क्या स्थिति थी, तो सबसे ज़्यादा टाइगर किस राज्य में पाए गए थे सेंसस में? तो मध्य प्रदेश में, जिसमें 526 टाइगर पाए गए थे और इसीलिए इसे मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश को सबसे ज़्यादा टाइगर यहीं मिलते हैं। इसके बाद आया कर्नाटक, मध्य प्रदेश के बाद जो सबसे सर्वाधिक टाइगर थे वो 524 के साथ कर्नाटक दूसरे नंबर पर था और 442 के साथ उत्तराखंड तीसरे नंबर पर था, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं, भारत में टाइगरों की संख्या को डबल करना किस वर्ष तक घोषित किया है? यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हम टाइगरों की संख्या डबल करेंगे, तो एक वर्ष दिया है, गोल ईयर दिया है, तो वो क्या दिया? तो वो दिया 2022, ठीक है। 2022 तक जो टाइगरों की, यानी कि अभी जो 2967 है, तो वो शायद 2022 तक दुगनी हो जाए 2900 से, यानी कि 6000 समथिंग हो जाए। तो ये एक तरह की टाइगरों की संख्या को डबल करना इस वर्ष घोषित किया है 2022 को, याद रखिएगा। 34वें क्वेश्चन की बात करूँ, टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, बेसिकली मनाया जाता है 29 जुलाई को, ठीक है। थीम ज़्यादातर यही रहती है, सेव टाइगर, तो 29 जुलाई को ये टाइगर दिवस मनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के चेयरमैन कौन है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो फ्रेंड ये हैं प्रकाश जावड़ेकर, फोटो देख सकते हैं आप और याद भी कर सकते हैं। ये हैं भारत के पर्यावरण मंत्री और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के भी चेयरपर्सन है प्रकाश जावड़ेकर, याद रखेगा, ठीक है, याद रखेगा। और दोस्तों इस वीडियो से जुड़े हमने काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने लाए, टाइगर रिजर्व भी बताया और जो जिस राज्य में स्थित है उसके गवर्नर, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उसकी राजधानी भी बताई। तो इससे क्या है, आपके 2-3 क्वेश्चन कवर हो गए एक ही क्वेश्चन से,
आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो वाकई अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। आप नए हो हमारे चैनल पे तो इजी नौकरी चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि बेल आइकॉन के साथ, ताकि अगले वीडियो के साथ हम जब भी आएँ तो आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए मैं मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।